आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। जनपद पौड़ी में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कई प्रत्याशियों ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कई प्रत्याशियों का आरोप है कि मतदान केंद्र में मौजूद पीठासीन अधिकारियों की लापरवाही और सांठगांठ के चलते वे चुनाव नहीं जीत पाए। प्रत्याशी की माने तो कई मतपत्रों में पीठासीन अधिकारियों के हस्ताक्षर न होने से उनके पड़ने वाली वोटें खराब हो गई, जिससे मतपत्रों में विकास अधिकारी के हस्ताक्षर न होने पर इन मतपत्रों की गणना मतगणना के दिन नहीं हो पाई, जिससे वे चुनाव हार गए। हारे हुए प्रत्याशियों ने अब न्याय के लिए हाईकोर्ट की शरण लेने का मन बना लिया है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव था, इसमें एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं पीठासीन अधिकारी भी हैं इसमें, जो इनका अपनी ड्यूटी के प्रति इन्होंने जो लापरवाही जताई है। इसमें हम लोग जो है इनकी वजह से जनता से हटे हैं, हमारी 42 वोटें इस कारण निरस्त हुई कि उसमें पीठासीन अधिकारी की सिग्नेचर नहीं थी। उसमें वोटर का कोई या वोटर ने वोट दी है, लोकतंत्र पर एक बड़ी ये है, उसके सम्मान पर बड़ा ठेस है, प्रजातंत्र पर ठेस है और जनता में रोष भी है कि आपने जो है गलत तरीके से गलत प्रत्याशी को जिताया, इसमें एक बड़ा षड्यंत्र माना जा रहा है। इसे 7 वोट से हारा मैं, तो 42 वोटें हमारी गिनती नहीं हुई है, जिसमें पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर नहीं थे और ना हमें ये वोटें दिखाई गई। मैंने आर ओ को लिखित में भी दिया था, रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में दिया था कि भाई हमारी ये वोटें किस कारण से आप इसे खराब रद्द मान रहे हैं। हमारा 453 का पोल पड़ा था और 453 ही गिनती में वोट आई थी। अगर फर्जी वोटें होती तो 453 से ज़्यादा गिनती होती तो हम मानते कि फर्जी वोटें पड़ी हैं। कौन से ब्लॉक का मामला है? ये एकेश्वर ब्लॉक का है, ग्राम सभा रणसवा का। कौन लड़ रही थी प्रत्याशी? प्रत्याशी मेरी मिसेस थी सरिता देवी, प्रधान पद के लिए। अच्छा। और भी 2-3 कैंडिडेट और भी थे जिनमें रोष है कि भाई ये वोटें कम से कम गिनती में होनी चाहिए। ग्राम बड़ी सभा से मैं एक प्रधान पद का प्रत्याशी था, तो जिस दिन वहाँ काउंटिंग चल रही थी उस दिन हम भी वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ एक घटना ये घटी कि एक गांव के क्या मुसासु गांव से जो है प्रधान का ये कहना था कि वहाँ पे 110 वोटों पे शायद 110 या 100 से ऊपर ही थे, उनके पीठासीन अधिकारी के उसमें हस्ताक्षर नहीं थे और उन्होंने उसमें ऑब्जेक्शन भी किया था कि भाई इनको काउंटिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भी है उनका शासन आदेश के अनुसार जो भी किया उन्होंने वो काउंटिंग में लेके उन 110 जो वोटर्स थे उनकी वोट काउंट नहीं की। तो इसमें हमारा ये कहना है कि भाई आपने इलेक्शन कमीशन तो इतना जोर शोर दे के वो करता रहता है कि भाई आपका वोट देना आपका अधिकार है, एक एक वोट के लिए वो इतना प्रचार करते रहते हैं और यहाँ 110 वोटर्स का आपने वोटिंग अधिकार एक तरह से छीन लिया। अगर आपने उनकी वोट काउंट नहीं की है तो इट मीन्स कि आपने उनका वोट देने का अधिकार ही छीन लिया, तो इसमें संबंधित अधिकारियों को कुछ ध्यान देना चाहिए था। ये मेरे ख्याल से सिलेक्शन कमीशन में भी इस तरह के रूल्स होंगे कि किसी अधिकारी की गलती की वजह से आपका मत देने का अधिकार क्यों छीना जाए।